गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मेथोलॉजी के थियोरेटिकल पार्ट में हमारी यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने यूनिट टू पे हैं और यूनिट टू के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस ऑफ रिसर्च के अंदर हम देखें तो ये कंटिन्यूस लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है हमारे रिसर्च का उसमें जो सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि किस तरीके से हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद कैसे हम आगे फर्दर प्रोसेस में अपने आप को स्टेप बाय स्टेप फाइनल कॉन्क्लूजन के लिए जाते हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है आज हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर देखें तो रिसर्च प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं कि ये रेफ़र कर रही है उस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन को जहाँ पे एक रिसर्चर क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। और हम देखते हैं कि जब हम किसी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं और उन सिचुएशंस को जब हम हैंडल करते हैं तो उन चीज़ों से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, एज ए लर्निंग हमारी होती है। तो हमें पता चलता है कि उस चीज़ के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें हो रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि उस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या कहा है, दैट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। और जो भी हम अपने सिचुएशन को करने के लिए कर रहे हैं तो उससे जो भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो एज ए क्या है, हमारा सेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का स्टेटमेंट है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है जिसमें हमें स्टडी करनी है, मीन्स जिसमें हमें रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हम कॉम्पोनेंट्स की बात करें यहाँ पे तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज़ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप विथ सम डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम। कि अगर हम देखें कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे सिचुएशन जो हम जिसकी स्टडी करना चाह रहे हैं वो तो या तो किसी इंडिविजुअल की होती है या किसी ग्रुप की होती है जो किसी डिफ़िकल्टी को या किसी तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। सेकेंड क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे रिसर्च के उनको हमें अटेन करना होता है, क्योंकि जो रिसर्च को सक्सेसफुल और रिसर्च को अगर हम कहें कि रिसर्च कब कंप्लीट मानी जाएगी तो हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे रिसर्च के वो हम इज क्या कर लें, अचीव कर लें। तो जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किसी रिसर्च के थ्रू अटेंड कर रहे हैं तो ये भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का एक कॉम्पोनेंट होगा। उसके बाद अब हमें देखना होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी सिचुएशन हैं वो किस इन्वायरमेंट में एग्जिट हो रही है। तो जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसके लिए हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखना होता है। मींस अगर हम देखें तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जिस तरीके से समझते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही है, किसी भी एक बिज़नेस को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होगी। तो जो प्रॉब्लम है वो किस इन्वायरमेंट में एग्जिट हो रही है ये हम अपने थर्ड पॉइंट में देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फोर्थ पॉइंट है हम वहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हमारे टू और मोर कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, मीन्स हमारी जो प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ को लेके कि रिसर्च से हमें क्या मेन मोटिव अचीव होगा। और हम ये देखते हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का वहीं वहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हमें दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स लेने होते हैं, दो से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो हम एक रिसर्च को करते हैं जिससे कि मैं हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन है उसको इजीली हैंडल कर सकूं। और लास्ट क्या है कि जब हम किसी रिसर्च की स्टडी करते हैं या किसी स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें उस स्टडी के उस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च को लेके। इसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। कि हम अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर देखें तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हमें दे रखी हैं जब एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सब्जेक्ट विच इज़ ऑर्डर्ड शुड नॉट बी चूजन। कि जो सब्जेक्ट पहले से ही कर लिया गया है उसको हमें चूज़ नहीं करना है। कि अगर किसी रिसर्चर ने पहले ही कोई रिसर्च कर रखी है या पहले से किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन के रिगार्डिंग उसने अपने कॉन्क्लूजन दे रखे हैं तो उन चीज़ों को हमें अपने सब्जेक्ट में नहीं लेना। दूसरा क्या है, एन एवरेज रिसर्चर मस्ट नॉट चूज़ कॉन्ट्रोवर्सल टॉपिक्स। कि अगर हम देखें कि जो हमारे एवरेज रिसर्चर होते हैं उनको हमें किसी भी तरीके के कॉन्ट्रोवर्सल टॉपिक्स को
चूज़ नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक्स होते हैं उसमें एक रिसर्चर के एक्सपीरियंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम किसी एवरेज रिसर्चर से कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक्स के रिगार्डिंग चीज़ें करवाएंगे तो उसका एक रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है हमारी वो बहुत नैरो है, बहुत वैग्यू है, तो हमें उनको अपनी रिसर्च के अंदर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हों तो वो हमारे लिए फैमिलियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम अपने सब्जेक्ट के सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को देखें तो उनको हमें अपने पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर हमेशा माइंड में रखना होता है जब हम किसी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि क्या हमारे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी रिसर्च के अंदर होते हैं, किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो हमें अपने माइंड के अंदर जो कॉस्ट और टाइम फैक्टर्स हैं उनको रखना होता है कि क्या कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं, किस तरीके के टाइम के अंदर हम किन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट क्या है कि अगर हम देखें कि जो रिसर्चर के एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रॉब्लम्स है वो इन हैंड देखनी होती है। तो अगर कोई रिसर्चर वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड है, उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर कोई रिसर्चर है जिसके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ना उसने आज तक किसी पर्टिकुलरली सेक्टर के अंदर, फील्ड के अंदर ट्रेनिंग ली है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल नहीं कर सकता। तो इन सब गाइडलाइंसों को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम किसी रिसर्च को, प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखें तो जो हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उनके अंदर हम किन किन स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे वो हम इस पॉइंट के अंदर देखेंगे। पहला क्या है कि जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हों तो हमें अपने एक सूटेबल टाइटल को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट क्या है कि जब हमें एक सूटेबल टाइटल मिल जाता है तो उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक कंसेप्चुअल मॉडल को बिल्ड करते हैं। तीसरा क्या है कि जब हम अपने स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं तो ये भी एक स्टेप है जो कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन में होगी कि हमें अपने स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को भी बताना हो। उसके बाद क्या है कि हम अपने पर्टिकुलर रिसर्च के लिए इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को सेटअप करते हैं कि जो भी हम अपनी क्वेरी रखने वाले हैं, कोई भी इंक्वायरी हम रखने वाले हैं सामने वाले से, अपने रेस्पोंडेंट से, तो उसके लिए हमें किन किन क्वेश्चंस को पूछना होगा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या है, हम फॉर्मुलेट करते हैं अपने पर्टिकुलर रिसर्च की हाइपोथेसिस को, और हाइपोथेसिस जो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसमें हम अपनी रिसर्च के उन एजम्पशंस को दिख रहे हैं, डाटास के उन एजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि हमारी रिसर्च में हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमें अपने पर्टिकुलरली ऑपरेशंस को, जो भी हम ऑपरेशनल कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, उनको एक कंसेप्ट के टूर डिफाइन करना होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि हमें अपने स्टडी के जो भी स्कोप्स हैं उनको डिटरमाइन करना होता है जिससे कि मैं उसकी फ्यूचर फॉरकास्टिंग कर सकूं, आगे जो रिसर्चर उस स्टडी को करेंगे तो उनको हेल्प मिल सके। इसके बाद हम देखें तो एक जब हम किसी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे लिए क्यों नेसेसरी है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें क्लियरली करनी होती है। पहला पॉइंट क्या है कि जब मैं अपने डिस्क्रिमिनेट रिलेवेंट डाटा को अपने इररिलेवेंट वन में करूं, मींस कि जो रिलेवेंट डाटा है वो तो मेरी रिसर्च के लिए काम का है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारे इररिलेवेंट डाटाज हैं उनसे मुझे अपने रिलेवेंट डाटाज को निकालना होगा। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं या पर्टिकुलर कोई स्टडी करते हैं तो हमें अपने ट्रैक को फॉलो करना होता है कि किस ट्रैक पे हम हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना होता है। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं हम लोग कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना होता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम अपनी जो रिसर्च है उसके रिगार्डिंग एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी जो भी रिसर्च के अंदर टेक्निक्स हैं जिनको हमें अपनी रिसर्च में कंडक्ट करना है, किन किन टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ हम अपने एक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन से करते हैं। उसके बाद हमारी रिसर्च की क्या बाउंड्रीज होंगी, क्या लिमिटेशंस होंगी, उनको भी हमें अपनी रिसर्च के अंदर ले डाउन करना होगा। इसके बाद देखें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वहाँ पर हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने में।
तो अगर हम देखें तो जब एक रिसर्च को डिफाइन किया जाता है तो उसमें जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं उनको हमें डिफाइन करना होता है एक स्टेटमेंट में, ठीक है। और जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं उसको एक जनरल वे में करना होता है, ना कि उसको एक कॉम्प्लिकेटेड वे में करें। तो हमेशा जो प्रॉब्लम्स को हम बताना चाह रहे हैं उसको एक जनरल वे में बताएं। नेक्स्ट क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम के एग्जैक्ट नेचर को पता करना होता है, समझना होता है कि हमारी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट नेचर क्या है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें अपने पर्टिकुलरली जितने भी अवेलेबल लिटरेचर हैं उनका सर्वे करना होता है, क्योंकि जब हम अपने लिटरेचर्स को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं कि उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग लोगों का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मैं अपने आइडियाज़ को डेवलप करता हूँ तो अपने आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए मुझे डिस्कशन करना होगा और साथ साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी। किन के साथ? लोगों के साथ। और जब मैं लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे सेशन करूँगा, तो उससे मेरे आइडियाज़ और ज़्यादा ज़्यादा डेवलप होंगे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। उसके बाद हम अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब है कि जब तक हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग चीज़ों को नहीं ढूंढ ले तब तक उस प्रॉब्लम में हम इन्वॉल्व होते रहते हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम को आगे फर्दर स्टडी के लिए यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारा आज लास्ट टॉपिक यहाँ पे है इस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने होते हैं जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो। तो अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी टेक्निकल टर्म्स आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आप किस तरीके की टेक्निकल टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो भी आपके रिसर्च के या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी आपके अजम्पशंस हैं, बेसिक अजम्पशंस, उनको आपको स्टेट करना होगा, मीन्स उनको आपको बताना होगा अपनी रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट है कि जब हम अपने रिसर्च के क्राइटेरिया या अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें प्रोवाइड होना चाहिए कि हम किस क्राइटेरिया या किस टेक्निक से इन रिसर्च प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उनके रिगार्डिंग कॉन्क्लूजन्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा कि सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम पीरियड एंड सोर्सेज ऑफ डाटा अवेलेबल मस्ट बी कंसिडर, कि हमें अपने टाइम पीरियड के सुटेबल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे डाटा सोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हमें अपनी रिसर्च के अंदर कंसिडर करना होगा, क्योंकि इन्हीं सोर्सेज ऑफ डाटा से हमें क्या होगा, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलेगा, कॉन्क्लूजन्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होता है, जो एक फील्ड होती है, और जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं उनको हमें अपनी रिसर्च के अंदर मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को बताएंगे, फील्ड को बताएंगे, लिमिटेशंस को बताएंगे, तो जो आगे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे उनको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।